स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इडियम्स हैं और जो फ्रेज हैं उसको हम लोग आज कम्प्लीटली कवर करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, क्या आपका तरीका होगा जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो तरीका यही बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी इडियम्स या फिर कोई भी फ्रेज का मतलब पता है तो आप उन चार ऑप्शन में से जो भी उसका मीनिंग है उसको आप डायरेक्ट टिक आउट कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे ही मीनिंग पता है तो आप उसका आंसर करोगे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं आपको करके भी बताऊंगा। और अगर आपको उस इडियम्स या फिर उस फ्रेज का मीनिंग ना पता हो, उसका जो मीनिंग है वो आपको याद ना आ रहा हो, तो आप उन चार ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करके, मतलब कुछ जो ऑप्शन है उसको छाट करके आप आंसर तक बहुत हद तक पहुंच सकते हो। और ये भी तरीका मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक बात आपको और बता दूं कि इसके पहले मैं आपको इडियम्स और फ्रेजेज की जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इडियम्स और फ्रेज है उसको मैं करवा चुका हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। आज भी ये इडियम्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो देखनी है। और इसके पहले यहाँ पे मैं आपको वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूँगा या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप YouTube पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो एडियम एंड फ्रेजेज बाई बीरबल प्रसाद सर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो आता है वो कितना टाइप का आता है। तो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है एडियम्स और फ्रेज का, ये दो टाइप का आता है। अब कैसा टाइप आता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, पहला टाइप ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब एक एडियम्स या फिर फ्रेज दी गई है और चार ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। और दूसरा टाइप आता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और सेंटेंस में उस एडियम या फिर उस फ्रेज को प्रयोग कर दिया होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आपको ये बताना होता है कि इस सेंटेंस में जो एडियम्स है या फिर जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्वेश्चन आता है, मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन को करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ए मैन ऑफ अस्ट्रा। अस्ट्रा का मतलब होता है पुआल, मतलब आप याद रख सकते हो ऐसे। तो कहता है कि ए मैन ऑफ अस्ट्रा, मतलब अस्ट्रा का आदमी, तो कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास पुआल होगा, पुआल कोई महंगी तो चीज़ है नहीं। तो इसका मतलब इस कंप्लीट जो है यहाँ पे, इसका मतलब इस फ्रेज का है कि ए मैन ऑफ अस्ट्रा का मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ भी ना हो, एकदम तुच्छ आदमी, ए मैन हैज नो सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं ए मैन ऑफ अस्ट्रा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु किसी पर्सन के पास ना हो, एकदम दिवालिया हो, तो इस तरह के पर्सन को बोला जाता है ए मैन ऑफ अस्ट्रा। तो आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, क्लियर। चलिए, अब दूसरा जो टाइप है इसको ना, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना काफ़ी इजी होता है। इजी इसलिए होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस से आप काफ़ी हद तक आप मीनिंग को निकाल सकते हो। अगर नहीं भी आता है तो भी आप मीनिंग को निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट। अब यहाँ पे इस जो फ्रेज है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन किया हुआ है गेव अप द घोस्ट। तो अब इसको मैं पहले आपको याद करवा देता हूँ।
घोष्ट का मतलब क्या होता है? घोष्ट का मतलब होता है भूत, या फिर आप कहें तो आत्मा। और गिव अप, ये बना है गिव अप से। तो जब आप अपनी आत्मा को खो देते हो, अब आप अपनी आत्मा को छोड़ देते हो, त्याग देते हो, इसका मतलब आपकी मृत्यु हो जाती है ना। तो आप ऐसे याद रखिए कि गिव अप द घोष्ट का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट, मतलब जो अच्छा आदमी था, जो शालीन आदमी था, बढ़िया आदमी था, उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइड। तो आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने डाला है, टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कह रहा है कि टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि ए मैन ऑफ लेटर का मतलब विद्वान आदमी। तो देखिए मैं इसको याद करवा देता हूँ, एक ऐसा पर्सन जो कि लेटर्स का मैन हो। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब कि उसके माइंड में, उसके दिलो दिमाग में लेटर्स घूमता हो। और लेटर्स ये नहीं है वर्णमाला वाला, लेटर्स का मतलब लैंग्वेज, उसकी नॉलेज। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है नॉलेज वाला, कहने का मतलब एक बहुत ही विद्वान आदमी, नॉलेजबल पर्सन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर जो आपका होगा, चलिए यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। अब देखिए प्रोफिशिएंट इन होता है, ये भी याद रखिएगा कि प्रोफिशिएंट के बाद प्रीपोजिशन इन आता है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, उसके लिए प्रोफिशिएंट वर्ड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते इस क्वेश्चन में। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है विद्वान आदमी, तो आपको पता नहीं चल रहा होता तो कैसे करते? अवॉइड कॉन्टैक्ट्स, तो ऐसा जिसके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो, ऐसी बात तो नहीं है। एन एक्साइलेंट लेटर डिक्टेटर, अब लेटर डिक्टेटर की बात कहाँ से आ गया? अक्षर पहचानने वाला नहीं ना। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर, तो राइटर की भी बात नहीं है, कोई विद्वान होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राइटर ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए ऐसे भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था ही इज अ मैन ऑफ, और यहाँ पे खाली स्थान था और चार ऑप्शन थे। तो आपको पता है कि अ मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है बहुत ही विद्वान व्यक्ति। तो यहाँ पे मैन ऑफ अस्ट्रा भी आ सकता था, लेकिन ऑप्शन में अस्ट्रा तो है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में लेटर सी है जो कि आपका सूटेबल फ्रेज बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, ये है ओपन क्वेश्चन। अब देखिए ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हर कोई सहमत हो, उस प्रश्न से, उस बात से हर कोई सहमत हो, तो उस तरह के जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं ओपन क्वेश्चन। जैसे अभी आप फिलहाल ले लीजिए तालिबान, तो तालिबान आज बहुत ज़्यादा आक्रामक रोल निभा रहा है, तो इस क्वेश्चन को, इस बात से हर कोई सहमत है, मतलब हर कोई मानेगा कि हाँ तालिबान आज इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसको हर कोई मानता हो, हर कोई उस चीज़ को एग्री करता हो, उसके आंसर को, उसको, उस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर, ठीक है। चलिए अगला है अकिल्स हिल। अब देखिए इसका मतलब होता है आपका कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हो, कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका मतलब कमी हो, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो उसका वीक पॉइंट है, या फिर कहिए कि एक ऐसी उसकी खराबी है जो उसको सभी गुणों को वो रिप्लेस नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं अकिल्स हिल, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ओवंस वनरेबल और सस्पेक्टेबल स्पॉट्स,
है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अगला है टू बी इन द डोल्ड्रम्स। आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो डोल्ड्रम्स एक एरिया होता है पृथ्वी पे। अगर आप डोल्ड्रम में चले जाओगे ना तो आप संकट में फंस जाओगे, ना इधर को रहोगे ना उधर को रहोगे, मतलब आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाओगे। वहाँ पे आपका जो उत्साह होगा ना वो कम हो जाएगा। तो डोल्ड्रम का मतलब है कि टू बी इन लो स्पिरिट्स, मतलब जोश और उत्साह कम होना। अगर आप डोल्ड्रम में हो तो इसका मतलब आपका जोश और आपका उत्साह थोड़ा कम गया है। अगला है ब्लाइंड अलाई। अब देखिए यहाँ पे ब्लाइंड अलाई का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ना अलाई, ये क्या होता है, ये मित्र होता है, एक फ्रेंडशिप होता है, या फिर आप कहिए तो एक तरह का सपोर्ट होता है। तो ब्लाइंड होगा, अगर ब्लाइंड सपोर्ट होगा तो आपको पता है वो कैसा होगा, वो अनप्रॉफिटेबल होगा, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। तो इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एक्शन, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कि प्रॉफिटेबल ना हो, जो कि फायदेमंद ना हो। ठीक है, अगला है, देखिए अगला सेंटेंस में है। अब ये काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या है ना, मैंने एग्जाम्स के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा है, क्योंकि जो एग्जाम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो 50 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करवा रखा है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। कहता है कि जो हमारा स्कूल है ना वो रेलवे स्टेशन से बस बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर पे है। तो विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है अ वर्ड ऑफ पैसेज। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, पैसेज क्या होता है, ये पैसेज भी इसको पढ़ते हैं और पैसेज भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कि पैसेज का मतलब होता है स्ट्रीट, गली। कहते हैं ना कि आपके टोले मोहल्ले गांव में गलियाँ होती है, जिस गलियों में आप आते जाते हो, तो गली समझ रहे हैं ना, दो जो घर होते हैं उसके बीच का आने जाने का रास्ता को गली बोलते हैं। तो ये वर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब है कि एक ऐसा, ऐसे मतलब याद रख सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा चिड़िया जो कि गलियों में आता जाता हो, तो वो गली में तो हमेशा रहेगा नहीं। चिड़िया का स्थान क्या है, घोंसले में, पेड़ पर। तो बहुत कम समय के लिए गलियों में वो चिड़िया ठहरेगा। तो इसका जो आंसर होता है, वर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए रुकने वाला पर्सन को बोलते हैं अ वर्ड ऑफ पैसेज। तो यहाँ पे आंसर होगा वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम समय के लिए रुकता हो, कहीं पर ठहरता हो। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सबको आता ही होगा, ऑल मून साइन। देखिए ऑल मून साइन का मतलब क्या है, ऑल मून साइन का मतलब है कि जो कि दिखावा के लिए हो, मतलब रियलिटी से उसका कोई संबंध ना हो, कहने का मतलब तरक भरक दुनिया वाला। तो इसका आंसर होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से बहुत दूर। तो ऑल मून साइन का मतलब है कि खाली डिंग हाँकने वाला, मतलब उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं हो, एकदम नेचुरल से बहुत बहुत ज़्यादा दूर, इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, अव्यवहारिक। तो यहाँ पे ऑल मून साइन का मतलब है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से बहुत दूर। अगला यहाँ पे इडियम्स है बैग ऑफ बोन्स। तो अब इसको मैं आपको याद करवा देता हूँ, बैग ऑफ बोन्स ऐसे पर्सन को कहा जाता है, कोई ऐसा पर्सन इमेजिन करो जिसका जो बहुत पतला हो, जिसके शरीर में हड्डियाँ नज़र आ रहा हो। तो बोन्स का मतलब हड्डी है और बैग ऑफ बोन्स का मतलब एक ऐसा बैग जिसमें सिर्फ बोन और बोन नज़र आए, तो पर्सन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा ना, वीक पर्सन हो जाएगा। तो बैग ऑफ बोन्स का मतलब है एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन,
मतलब बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो, काफ़ी उसकी हड्डियां बाहर नज़र आ रही हो, तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ बैग ऑफ बोन्स। ठीक है, चलिए अगला है हॉब्सन चॉइस। अब हॉब्सन चॉइस को भी आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है एक ऐसा चॉइस, वो नाम का सिर्फ चॉइस है, मतलब एक ही ऑप्शन दिया जाएगा लेकिन आपको कहा जाएगा कि ये चॉइस है आपके लिए। तो ऑप्शन चॉइस ऐसा चॉइस होता है ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग, मतलब एक ही ऑफर दिया जाएगा और कुछ भी नहीं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन चॉइस। अब इसको मैं बता दूं इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, चलिए मैं इसको कहानी के माध्यम से बता देता हूँ। एक राजा था, एक्चुअली ये एडियम्स तो इसी तरीके से बना है लेकिन मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे वो ढेर सारे हॉर्स को बांधे रहता था, ठीक है। अब बात ये था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास हॉर्स लाने जाता था तो वो बोलता था कि सबसे जो तुम कोई भी घोड़ा ले लो, कोई भी हॉर्स ले लो, लेकिन सबसे पहले वाला लेना, जो सबसे पहले जो तुमको मिलेगा। तो एक ही चॉइस है ना, सबसे पहले कौन मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है एक ऐसा चॉइस जो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही चॉइस हो, वो नाम का चॉइस हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग, मतलब केवल एक ऑफर किया जाता है और कुछ भी नहीं। अगला है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। अब कहता है कि दो और दो को साथ में रखना। तो पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब क्या है, तो अब इस इडियम्स का मतलब समझते हैं। टू पुट टू, टू का मतलब दो, तो कहता है दो और दो को साथ में रखना, मतलब कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा, आपने ऐसा कोई भी पर्सन को देखा है जिसमें सिर्फ मेरिट हो, जिसमें सिर्फ गुण ही हो, उसमें डिमेरिट नहीं हो? तो टू एंड टू का मतलब है कि दोनों चीज़ होना, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होना, दोनों को साथ साथ लेकर चलना। कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके साथ कुछ, उसकी कुछ अच्छाई है तो उसकी कुछ बुराइयां भी होगी। तो पुट टू एंड टुगेदर का मतलब होता है टू कंक्लूड कीपिंग इन व्यू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को ध्यान में रखते हुए कंक्लूड करना, उसकी बात को समझना। अगला है ए वाइल्ड गूज चेस। अब ये इडियम्स भी बहुत मज़ेदार है, इसकी कहानी भी मज़ेदार है, बट मैं आपको जनरली भाषा में समझा देता हूँ। ये ऐसे समझिए, वाइल्ड का मतलब तो आपको पता है जंगली, और गूज एक प्रकार का जानवर है, ठीक है, और चेस का मतलब होता है पीछा करना। तो कोई ऐसा जंगली जानवर जिसको आप जंगल में पीछा कर रहे हो तो क्या कभी वो पकड़ा जाएगा? नहीं ना। तो ए वाइल्ड गूज चेस का मतलब है एक ऐसा प्रयास करना जिसमें आप सफल हो ही नहीं सकते, मतलब बिना मतलब का प्रयास। समझ में आया? तो ए वाइल्ड गूज चेस का मतलब है फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइज। फिर से समझ लीजिए, अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब एक ऐसा प्रयास जो कि फ्रूटलेस हो, जो कि यूजलेस हो, मतलब जिसमें आप सफल हो ही नहीं सकते। अगला ओपन क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ, फिर से आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे निर्भर होना, है ना, कोई चीज़ पे डिपेंड होना। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, डिपेंड ऑन। चलिए ये भी अभी करवाया कुछ देर पहले, वर्ड ऑफ पासेज। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये मज़ेदार इडियम्स है और बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। कहता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो अब देखिए कहता है कि एन ओल्ड हेड, हेड का मतलब माइंड से है, दिमाग से है। तो कोई जवान कंधा है, जवान कंधा मतलब कोई जवान पर्सन है, उसके कंधे पे एक बूढ़ा दिमाग, मतलब समझ में आया इस इडियम का मतलब। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो कम उम्र में ज़्यादा समझदार हो गया हो। ध्यान से सुनिएगा, इस इडियम को समझने की कोशिश करिएगा तो आपको यहाँ पे भी याद हो जाएगा।
एंड ओल्ड हेड, हेड का मतलब यहाँ पे सिर नहीं है, माइंड। तो कहते हैं कि यंग सोल्जर मतलब कम उम्र में बुद्धि का आ जाना, ज़्यादा उम्र वाले लोगों जैसा तेज हो जाना माइंड को बोला जाता है, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, टू बी वाइज मतलब बुद्धिमान होना, बियंड ओवंस एज मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान होना, इस idioms का मतलब है। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ईजी और काफ़ी मज़ेदार, एन ओलिव ब्रांच। देखिए ओलिव क्या है, ओलिव एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। और ब्रांच तो आपको पता है उसकी शाखाएँ होती है ना। तो ओलिव ब्रांच को जैसे हमारे यहाँ गुलाब को प्यार के लिए दर्शाया जाता है, इसी तरीके से ये अमेरिका में ऐसा होता है, जो ओलिव होता है ना उसको शांति को दिखाया जाता है, शांति से। तो एन ओलिव ब्रांच का मतलब है एन ऑफर ऑफ पीस, मतलब शांति का ऑफर, शांति समझ रहे हो ना, मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति, पीस जिसको कहते हैं ना, शांत, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा। अगली बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, आप ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट क्या होता है, और डेट का मतलब तो आपको पता है तारीख, और ब्लाइंड का मतलब क्या है, अंधा। तो अब ब्लाइंड डेट ऐसा डेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लाइंड डेट एक ऐसा डेट होता है जिस डेट पे आप किसी पर्सन से मिलते हो लेकिन उस डेट का अता पता ना होता हो। मतलब कि अगर किसी पर्सन से आप अचानक से मिल गए, और वो पर्सन अजनबी नहीं होना चाहिए, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, और ज़्यादातर तो ये लव अफेयर में ही यूज होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। कोई बॉय है और कोई गर्ल है, और एक ब्लाइंड डेट को उनको नहीं पता था कि इस डेट को हम मिलेंगे, और वो एक सडन से कोई भी डेट है उस डेट को मिलते हैं, तो उस डेट को बोला जाता है ब्लाइंड डेट। तो इसका आंसर होगा मीटिंग विद समवन यू डोंट नो, मतलब एक ऐसा डेट जिसके बारे में आपको पता ना हो। अगला है टू बाइट वंस लिप्स। अब देखिए लिप्स का मतलब आपको पता है होंठ होता है, और ओवंस किसके लिए आया है, किसी के लिए आया है ना। तो कहता है कि अपने होंठ को काटना, तो देखिए इसका मतलब है कि आपके अंदर आप कब ऐसा फील करते हो, है ना, अपने होठों को कब आप खुद काटने लगते हो, तब जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में या फिर बहुत ज़्यादा इमोशन में होते हो। तो इसका आंसर है टू रिप्रेस ओवंस एंगर और अदर इमोशंस, क्लियर। अगला फ्रेंच लीव, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच लीव क्या होता है, अब देखिए फ्रांस के जो लोग थे ना, मैं आपको समझा देता हूँ, फ्रांस के जो लोग थे वो बिना ऑफिस में, बिना कोई लेटर दिए हुए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए अपने ऑफिस से गायब हो जाते थे। तो वहाँ से ही इस idiom बना है, ठीक है। फ्रेंच लीव का मतलब है ऐसा छुट्टी जिसमें कोई परमिशन नहीं लिया गया हो। जैसे आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप पहले वहाँ से परमिशन लेते हो तभी ना आप छुट्टी लेते हो, लेकिन फ्रेंच लीव ऐसी छुट्टी होती है जो कि विदाउट परमिशन ली जाती है, बिना मतलब कि आपने कोई परमिशन नहीं दिया ऑफिस में, आपको परमिशन नहीं मिला, आपने कोई अलाउंस नहीं ली और आप डायरेक्ट छुट्टी कर लिए, है ना। तो उसको बोलते हैं उसने फ्रेंच लीव पे गया है, वह फ्रेंच लीव पे गया है, ठीक है। अगला है टू बरी द हैचेट। देखिए बरी का मतलब क्या है, बरी का मतलब है दफनाना, है ना, जमीन के अंदर कोई भी चीज़ दबा देते हैं तो उसको बोलते हैं दफनाना। और हैचेट का मतलब कुल्हारी, कुल्हारी जानते हैं ना, जिससे लकड़ी काटा जाता है, लोहे की होती है। तो कहते हैं कि अपनी कुल्हारी को जमीन के अंदर दबाना, मतलब ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है झगड़ा उगड़ा जो आपका अपने भाई से, किसी से आप लड़ाई जो कर रहे थे, उस लड़ाई को बंद करके आप अपनी कुल्हारी को जमीन के अंदर दबा दिए हो, मतलब आप शांति लाए हो। तो यहाँ पर होगा टू मेक पीस, मतलब शांति स्थापित करना। कहने का मतलब हुआ कि टू बरी द हैचेट का मतलब होता है शांत
शांति कर लेना, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी को आप दबा दिए और अपने मुद्दा को शांत कर लिया, ठीक है। ऐसे ही सीडियम्स का मतलब है शांत होना, ठीक है। अब यहाँ पे है टू बेगार डिस्क्रिप्शन। अब आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इसी से मेरा एक बात याद आ गया। ट्वेल्थ क्लास बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैंने आपके लिए बना रखा है, तो उस नोट्स को आप डाउनलोड ज़रूर करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बताता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा होता है, जहाँ पे डिटेल में बातें लिखी होती है, और बेगार का मतलब होता है भिखारी। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि कोई भी भिखारी जो है वो आपका कोई चीज़ का वर्णन करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब वो एक्सप्लेनेटरी करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डिटेल में करेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा और डिटेल करेगा, यानी समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि वर्णन से परे हो, मतलब उसका वर्णन ना किया जा सके, मतलब बहुत ही डिटेल हो, बहुत ही लेंदी हो। समझ आया? फिर से मैं समझा देता हूँ। टू बेगार डिस्क्रिप्शन का मतलब है एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि बियॉन्ड हो, मतलब बहुत ही लेंदी, बहुत ही लंबा हो, वो वर्णन करने से परे हो, दूर हो, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माई हैंड्स आर फुल, तो जब आपके हाथ भरे होती हैं, इसका मतलब आपके आपके पास बहुत काम होते हैं, ऐसे आप इमेजिन करके याद रखिए। और ये इडियम्स ऐसे ही बना है, ठीक है। माई हैंड्स आर फुल का मतलब कि आप ऑफिस में हो और आपको बहुत सारा काम बॉस ने दे दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कोई आकर आपको बोला कि ए भाई ये भी कर देना, तो आप क्या कह रहे हो कि मेरे हाथ भरे हैं, अभी मैंने बहुत काम लिया हुआ है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो आई एम वेरी बिजी, ठीक है। माई हैंड्स आर फुल का मतलब है कि मेरे हाथ पूरी तरह से भरे हैं, अब मैं पूरी तरह से बिजी हूँ, ठीक है जी। चलिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। देखिए, कोई प्यार, कोई जो है ना, कोई बातें चीत ना होना। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम का मतलब होता है कि अगर कोई दो पर्सन हैं, उनके बीच प्यार नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, एकदम दूर रहते हैं, तो उस पोजीशन को कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, मतलब एक दूसरे से वो नफरत ही करेंगे ना, जब कोई ना लव होगा और ना लॉस्ट होगा तो वो नफरत करेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा टू डिसलाइक ईच अदर, ठीक है जी। चलिए अगली बात चलते हैं। अगली बात है टू बी ऑल एट सी। देखिए, इसको भी मैं याद करवा देता हूँ। सी का मतलब क्या है? समुद्र, ठीक है। तो आप गए हो समुद्र में, मान लो कि आप समुद्र में गए हो और आप समुद्र के बीच में जाकर आप वहीं पे अटक गए हो, तो आप क्या हो जाओगे? आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे, है ना, आप पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। कहने का मतलब कि आपको वहाँ पे तो समझ ही नहीं आएगा क्या करें। तो टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे पर्सन पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है कि कहाँ जाए, है ना, ना आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे जाने का रास्ता है, पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है, फेरा में फंस गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखिए, ये भी एडियम्स ना बहुत मस्त है। डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ हॉर्स, और फ्लॉग का मतलब है डंडे मारना। तो आप बताओ, कोई भी हॉर्स डेड हो चुका है, उस पर आप डंडे बरसाओगे तो क्या वो हॉर्स इधर से उधर, वो मतलब उसमें हलचल होगी? नहीं ना। तो यहाँ का मतलब, इस इडियम्स का मतलब आप समझिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब है अपना टाइम, अपना एनर्जी को बिना मतलब के बर्बाद करना, मतलब यूजलेस वर्क, यूजलेस जो होगा, फ्रूटलेस जो होगा, उसको हम कहेंगे
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब मरे हुए घोड़े को, मरे हुए हॉर्स को डंडे मारना, ऐसा कुछ हो सकता है नहीं ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट वंस एफर्ट्स, मतलब किसी के प्रयास को बर्बाद करना। चलिए अगला है टू डाई इन हेयरनेस। देखिए इस idioms का मतलब ही समझा देता हूँ, जो यहाँ पे एच ए आर एनी डबल एस है ना, हेयरनेस का मतलब है सर्विस, जॉब। तो जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो उसी समय किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पर्सन जॉब कर रहा होता है और जॉब के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो पर्सन डाई इन हेयरनेस हुआ है, मतलब वो पर्सन जॉब करते हुए मरा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस में उसका डेथ हो गया। अगला है टू फीदर ओवंस नेस्ट, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। तो कहता है कि टू फीदर ओवंस नेस्ट, मतलब अपने घोंसले का पंख बनना, है ना। तो ये क्या होता है ना कि ये ना मौका देखकर चौका मारता है ऐसा पर्सन, है ना। तो टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, मतलब बेईमानी तरीके से फ़ायदा उठाना। तो टू फीदर ओवंस नेस्ट, हिंदी में होता है कहावत ना, घर का क्या होता है, घर का कुत्ता बरियार होता है, मतलब घर का जो कुत्ता होता है ना, घर के पास वाला कुत्ता अपने घर में बरियार होता है, अपने देहाती भाषा में बोलते हैं मतलब मजबूत होता है। तो वही इस idioms का मतलब है टू फीदर वंस नेस्ट, मतलब अपने नेस्ट का, अपने घोंसले का पंख, मतलब वो डिसऑनेस्ट वे में बेईमान तरीके से वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। अगला है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिएगा इसका मतलब समझिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको कैसे समझते, ब्लू का मतलब स्काई, आकाश, ठीक है, आसमान, और ये idioms वहीं से बना है। अ बोल्ट का मतलब है थंडर, थंडर समझते हैं ना, वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश से जो बिजली गिरती है, आप समझ जाइए बरसात में, है ना। तो कहता है कि ब्लू, टू ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो क्या आकाश से बिजली आपको कहकर गिरती है, नहीं ना, अचानक से गिरती है। तो एन एक्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब अचानक से होने वाली घटना को कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का मतलब स्काई है और बोल्ट का मतलब थंडर, वो जो बिजली गिरती है उसको कहते हैं, ठीक है जी। चलिए टू बाइट द डस्ट, अब इसको कैसे याद करेंगे, टू बाइट, बाइट का मतलब आपको पता है काटना होता है, और डस्ट का मतलब आप इसका पता है, इसको हम अपनी बिहारी में क्या कहते हैं, अपना थूक चाटना है, कहते हैं ना, वही idiom से इसका मतलब, टू बाइट द डस्ट, मतलब जो डस्ट है उसको बाइट करना, उसको काटना, या फिर कहें तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, तो इसका मतलब है टू फेल, मतलब असफल होना। तो यहाँ पे टू बाइट द डस्ट का मतलब है असफल होना, फेल होना। अगला idioms है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब है ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है। तो ये तो काफ़ी जनरल है, इस पे ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ये तो आप सबको आता ही होगा। अगला है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, याद आपको रह जाएगा। टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना किसी तरफ, और न्यू लीफ का मतलब है एक नए पत्ते की तरफ मुड़ जाना। तो ये idioms कैसे बना है, इसकी कहानी भी बहुत मज़ेदार है, बट मैं आपको जनरल भाषा में समझा देता हूँ। कोई भी पर्सन है वो एक नए पत्ते की तरफ, एक नए प्रोग्राम की तरफ, एक नए कार्यक्रम की तरफ मुड़ता है, तो उसको बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो अब इसको हिंदी में कैसे समझेंगे, आप ये बात बताइए, कोई पर्सन एक नया प्रोग्राम की तरफ मुड़ेगा, मतलब वो अपने में चेंज लाएगा, मतलब परिवर्तन लाएगा, और कैसे, अच्छा चीज़ के लिए। तो इसका मतलब है टू चेंज फॉर द बेटर, मतलब अच्छाई के लिए बदलाव लाना। टू टर्न ओवर द न्यू, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब है कि टू चेंज फॉर द बेटर, मतलब अच्छा चीज़ के लिए बदलाव लाना।
अब इसको शुद्ध हिंदी में बता दूं, टोटन ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है नई जिंदगी में प्रवेश करना। ठीक है जी, चलिए अगला है। ये तो काफ़ी इजी है, सबको आता होगा। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। गोपी वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कोई भी काम इरेगुलर तरीके से करना, रेगुलर नहीं, मतलब आज किए, चार दिन बाद किए, दस दिन बाद किए, दो दिन बाद किए, तो कोई भी काम है ना इरेगुलर होगा, तो उसको कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो गोपी जो काम करता है वो इरेगुलर तरीके से करता है, और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगला है। दिस इज सो सिंपल डैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। देखिए यहाँ पे तो ये लंबा सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि ये इतना साधारण है ना कि कोई एक साधारण सा व्यक्ति इसको समझ सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे तो इडियम्स है ए मैन इन द स्ट्रीट, इसको मैं समझा दूँ तो एक ऐसा पर्सन जो कि गली मोहल्ले में रहता है, तो गली मोहल्ले में एक साधारण व्यक्ति रहेगा, तो ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब है एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति। ठीक है, अगला है। माई फ्रेंड टर्न अ डीफ ईयर टू माई टेल्स ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, ये लंबी चौड़ी बात छोड़िए, आप यहाँ पे इडियम्स याद रखिए, टर्न अ डीफ ईयर। अब ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के इडियम्स होते हैं, टर्न अ डीफ ईयर और एक होता है टर्न अ ब्लाइंड आई। तो देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझा दूंगा ना, याद रह जाएगा। अब कोई पर्सन है, अब हम लोग कान से ही सुनते हैं आपको पता है, और यहाँ पे लिख दिया डीफ ईयर, और डीफ ईयर की तरह टर्न करना, की तरफ टर्न करना, मतलब आप कोई भी चीज़ सुन भी रहे हो फिर भी आप नज़रअंदाज कर रहे हो कि मैंने तो सुना नहीं, तो उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन होता है उसको कहते हैं टर्न अ डीफ ईयर, हिंदी होता है अनसुना कर देना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, पेड नो हीड। हीड का मतलब हिंदी में होता है ध्यान देना, तो आपको मैंने हिंदी में भी बता दिया लेकिन आपके एग्जाम में इंग्लिश में पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा टर्न अ डीफ ईयर का मतलब है पेड नो हीड, मतलब अनसुना कर देना। अगला है बोन ऑफ कंटेंशन, ये लंबी चौड़ी बात छोड़िए, ठीक है मैं आपको इडियम सिर्फ करवा रहा हूँ। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है, देखिए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़, कोई भी चीज़ है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान तो इसके बीच में क्या है, पीओके है, कश्मीर है, ये सब क्या है लड़ाई का एक मतलब रूट है, एक जड़ है। ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पर्सन जो कि झगड़े का कारण बनता हो, तो उसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहाँ पे आंसर होगा अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। देखिए डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, आपको पता होगा। अब देखिए ये ऑप्शन ना ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आसानी से बन सकता था, ये सब्जेक्ट ऑफ पीस शांति का बात तो नहीं है जी, ए सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड व्यापार का भी बात नहीं है, और एक्सपोर्ट देश से बाहर सामान को भेजना ऐसी बात नहीं है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कि झगड़े का जड़ होना, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। क्लियर जी, चलिए अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये अपने टेंथ में भी पढ़ा होगा और एक बार बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंस एंड आउट, इंस एंड आउट का मतलब क्या है, इंस एंड आउट का मतलब है डिटेल और बहुत ही अच्छा जो चीज़ है, जैसे कोई भी स्टोरी आपको सुना रहा है पूरा डिटेल में और पूरी बढ़िया से बता रहा है जो कि आपको समझने में काफ़ी हेल्प हो रहा है, तो उसको कहते हैं इंस एंड आउट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, डिटेल्स एंड कम्प्लिसिटीज, है ना। इसका हिंदी बता दूँ, इंस एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से विवरण के साथ, मतलब पूरा एकदम एनालिसिस के साथ, हिंदी में लिख लीजिए पूर्ण विवरण के साथ। ठीक है, लेकिन हिंदी में तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश में। अ डम्प अस क्यूब, इसको याद करवा दूँ, बहुत ईजी है।
आपने दिवाली में वो वाला पटाखा जरूर खरीदा होगा, मुर्गा छाप, है ना, बिहार में बहुत फेमस है। तो जो वो मुर्गा छाप है आपने जब खरीदा होगा, तो कभी कभी आप उस पटाखे को छोड़ते होगे, फोड़ते होगे आप, तो क्या होता होगा कि आपकी उम्मीद थी कि बहुत कस के आवाज़ करेगा, लेकिन वो पटाखा फुस, है ना, वो पटाखा आवाज़ ही नहीं किया, मतलब एकदम बहुत कम आवाज़ किया, और वो और जो पटाखे थे उस पैकेट में उससे कम आवाज़ किया, तो उसको कहते हैं डैम्प एस्क्यूब, समझ में आया, मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट देना, मतलब आपने जो चीज़ें सोची थी उस चीज़ों से बहुत ही ख़राब रिजल्ट, मतलब निराशा भरी जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं ए डैम्प एस्क्यूब। तो यहाँ पर आंसर होगा ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, क्लियर। द पुलिस काउट द थीप रेड हैंडेड, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। रेड हैंडेड का मतलब है कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में कोई काम, कोई चोरी, कोई क्राइम, कोई भी चीज़ करते हुए अगर कोई पर्सन पकड़ा जाता है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, है ना, लेकिन मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। रेड हैंडेड का मतलब है, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, रेड हैंडेड का मतलब है कोई भी क्राइम करते हुए, कोई भी गलत काम करते हुए एकदम स्पॉट पे, मतलब काम करते हुए, उस काम करते हुए उस आदमी को पकड़ा जाता है तो उसको कहते हैं कि रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। तो देखो इडियम्स को ना आप ऐसे ही याद रखना होगा, मतलब उसका मीनिंग याद रखो और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में आराम से पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, एकदम हू बहू आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन इस तरीके से आता है। तो याद रखिएगा रेड हैंडेड का मतलब है कोई क्राइम करते हुए पकड़ा जाना, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। अगला है लेफ्ट मी इन द लर्च, ये धोखेबाज जो दोस्त होता है ना उसके लिए ये एडियम्स बना है। अब मैं आपको समझाता हूँ लर्च क्या होता है, लर्च होता है मझधार, अगर आप हिंदी जानते होंगे तो, चलिए मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। जैसे आप और आपके दोस्त दोनों तालाब में गए, आप मजे लेने के लिए पानी में कूद गए और आपका दोस्त आपका आपको तैरने नहीं आता है, ठीक है, और आपका दोस्त बोला चलो चलो मैं तुमको ना सिखाऊंगा और बीच नदी में ले जाके आपको छोड़ दिया, तो उसको बोलते लर्च में छोड़ देना, लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब बीच रास्ते में छोड़ देना। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी, अबैंडन्ड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, मतलब मुझको छोड़ा गया जब मुझे ज़रूरत था एक मदद की। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन को इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट लोग कहते हैं कि सिर्फ आप आंसर करवाइए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ पूरे डिटेल में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब है कि आपको बीच रास्ते में जाकर छोड़ देना, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, अबैंडन्ड का मतलब है छोड़ देना, मी का मतलब मुझे, व्हेन आई नीडेड हेल्प मतलब जब मुझे ज़रूरत था किसी के मदद का उसी समय छोड़ देना, उसी समय मुझे छोड़ दिया गया, लेफ्ट मी इन द लर्च, क्लियर है। चलिए अगला है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पुटिंग द कार्ट, कार्ट क्या होता है, ये बैलगाड़ी होती है, और हॉर्स क्या होता है आपको पता है, जो बैलगाड़ी को खींचता है। अब यहाँ पे इस idioms को समझिए, कह रहा है पुटिंग द कार्ट मतलब बैलगाड़ी को पुट करना, रखना, बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के बिफोर मतलब हॉर्स के सामने। तो आप एक बात बताइए, कोई भी हॉर्स है तो हॉर्स के सामने आप बैलगाड़ी को रखोगे, आप वो गाड़ी को रखोगे जिसको हॉर्स खींचता है, तो क्या वो हॉर्स खींच पाएगा, अरे हॉर्स के पीछे ना होती है गाड़ी तभी तो हॉर्स तो खींच पाता है। लेकिन आप हॉर्स के आगे मतलब हॉर्स के आगे आप उस कार्ट को रखोगे, उस गाड़ी को, तो हॉर्स नहीं खींच पाएगा। तो इस idiom का मतलब है रॉन्ग वे में काम करना, गलत तरीके से काम करना,
पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब हॉर्स के आगे कार्ट को रखना, कार्ट मतलब गाड़ी है ना, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे आंसर होगा टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, मतलब चीज़ों को गलत तरीके से टैकल करना, तो उसको कहते हैं कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स आप कर रहे हो। क्लियर हो गया। चलिए अगला है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसको मैं समझा देता हूँ। पिलर क्या होता है? पिलर होता है आपका, ऐसे समझिए कोई भी जमीन, कोई भी बिल्डिंग्स बनता है तो वो पिलर होता है, सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। और पोस्ट क्या होता है? पोस्ट होता है सबसे ऊपरी सिरा। तो आप बैंक में जाते हो तो बिहार का तो यही कहानी है, या फिर आप ब्लॉक में जाते हो कोई काम करवाने के लिए तो आप छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक दौड़ धूप करते हो। तो इसका मतलब है कि आपने पिलर से लेकर पोस्ट तक पूरा आपने दौड़ धूप किया, मतलब आपने पूरा का पूरा प्रयास किया। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एकदम जी भर के प्रयास करना। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब ट्राइड हिज बेस्ट है ना, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मैंने आपको पहले मतलब बता दिया, उसके बाद ऑप्शन को भी बता दिया। फिर से एक बार समझा देता हूँ, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब है कि कुछ भी नहीं छोड़ना, एकदम पूरी प्रयास करना। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है ट्राइड हिज बेस्ट, मतलब अपना पूर्ण प्रयास करना। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं जो भी करवा रहा हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या है? कोई आपने पर्सन देखा होगा, जो पर्सन बोलता है तो कि सभी को अट्रैक्ट कर लेता है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है कि किसी पर्सन के अंदर बोलने की ऐसी क्वालिटी होना जो कि सभी को अट्रैक्ट कर ले। तो गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होगा? बोलने की अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग के लिए टैलेंट होना। अगला है टर्नड अ ब्लाइंड आई, ये इडियम्स में नाम मैंने आपको पहले ही चर्चा में लाया है, टर्नड अ डीफ ईयर के बगल में। तो देखिए आप ब्लाइंड आई, आप आँख से ही देखोगे, सही बात है, और आपने ब्लाइंड आई कर लिया, मतलब आपने कोई भी चीज़ देखा लेकिन आपको उस, आपने उस चीज़ को अनदेखा कर लिया। वहाँ पे क्या था? अनसुना करना। यहाँ पे क्या है? अनदेखा करना। तो आप टर्नड होते हो ब्लाइंड आई की तरफ तभी जब आप कोई भी चीज़ अनदेखा करते हो, मतलब आप बहाना करते हो कि मैंने नहीं देखा। तो ऑप्शन ए होगा प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान देना, देखना, और प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। तो प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस होगा आंसर। अगला है इंडेड इन स्मोक, इसको भी समझ लीजिए और याद कर लीजिए। इंडेड इन स्मोक का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करता है और उसकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म होगा? स्मोकिंग करते करते हो जाएगा। तो इंडेड इन स्मोक, तो उसको अंतिम में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाएगा। ऐसे तो सब कोई खाली हाथ ही जाएगा, बस मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो इंडेड इन स्मोक का मतलब है केम टू नथिंग, मतलब कुछ हाथ में नहीं आना। अब इसको कैसे याद होता है, मतलब इसका कैसे प्रयोग होता है, उसको समझ लीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी वर्क है, अगर वो एंड होता है स्मोक में, इसका मतलब कि उसमें कोई भी फायदा ना होना, मतलब नथिंग केम टू नथिंग, मतलब कुछ भी ना मिलना। कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाली एडियम्स यहाँ पे है कि आपने तो पूरा भरपूर मेहनत किया लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो इंडेड इन स्मोक का मतलब है केम टू नथिंग, कुछ ना मिलना। अगला है टू ब्रेक द आइस, आइस का मतलब क्या है? आपको पता है बर्फ, तो बर्फ की एक सिल्ली है, उसको आप तोड़ते हो। तो जब आप चुप्पी को तोड़ते हो, जब आप दो दोस्त हो और दोनों दोस्त में लड़ाई हो गई है, तो बोला चाली बंद हो गया है दो दिन से, और अचानक से एक दिन वो चुप्पी टूट जाती है और बोलना चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रेक कर देना आइस को, मतलब टू ब्रेक द आइस का मतलब बोलने चलना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे आंसर होगा
टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, मतलब अपनी चुप्पी को, चुपचाप जो था उसको तोड़ देना। अगला है कैन यू गिव मी ए हैंड विथ दिस लगेज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इडियम्स भी समझाऊंगा और एक ग्रामर का कंसेप्ट बताऊंगा। लगेज क्या होता है याद रखिएगा, लगेज में एस नहीं लगता है, है ना, मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया है। तो कहता है कैन यू गिव मी ए हैंड विथ दिस लगेज, क्या आप हाथ दे सकते हो इस लगेज को उठाने में। तो हाथ देना का मतलब समझ रहे हैं ना, गिव मी ए हैंड मतलब हेल्प करना, सपोर्ट करना उठाने में उस लगेज को, उस सामान को। तो यहाँ पे आंसर होगा हेल्प मी विथ ऑप्शन के हिसाब से, और इसका हिंदी में होगा मदद करना इसका मतलब। ठीक है, गिव मी ए हैंड का मतलब मदद करना, ऐसे तो इडियम्स होता है गिव अ हैंड, लेकिन यहाँ पे लिखा गिव मी अ हैंड मतलब मुझे मदद करना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी हेल्प मी विद। अगला है टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन। तो देखिए जब आप स्कूल से आते हो तो आप अपना जो बस्ता होता है, जो अपना बैग होता है, जो आपके जूते होते हैं, जो आपके शर्ट होते हैं, पैंट होते हैं, जो टाई होता है, वो जैसे तैसे आप आकर खोलकर फेंक देते थे बचपन में, है ना। तो उसका कहते हैं सिक्स एंड सेवन मतलब डिसऑर्डर तरीके से कर देना। तो मम्मी क्या होने लगती थी, गुस्साने लगती थी। तो टू बी एट सिक्स एंड सेवन का मतलब है ए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, मतलब एक ऐसी स्थिति जो पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, मतलब कोई ऑर्डर में ना हो, क्रम में ना हो, सजाया हुआ ना हो, और कन्फ्यूजन वाला स्थिति और डिसऑर्डर वाला स्थिति को बोलते हैं सिक्सेस एंड सेवन। ठीक है, चलिए अगला है स्वान सॉन्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वान सॉन्ग में क्या होता है, जब आप किसी कॉलेज में, कोई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के अंतिम दिन जब आपकी विदाई हो रही है, फेयरवेल हो रही है, तो अंतिम दिन आपने एक सॉन्ग गाया, आपने कुछ भाषण दिया, आपने अपने टीचर को कुछ स्टेटमेंट दिया, तो वो स्टेटमेंट, वो भाषण, वो सॉन्ग कहता है का, मतलब उस सॉन्ग को बोलते हैं ए स्वान सॉन्ग। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होगा अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको स्कूल में समझाया तो वहाँ भी सही है, लेकिन कोई पर्सन अगर जॉब से रिटायर कर रहा है और रिटायर करने से पहले कोई स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है स्वान सॉन्ग, या फिर डेथ के पहले भी देगा तो उसको भी बोला जाएगा। फ्रेंच लीव ये मैं आपको करवा दिया हूँ, ऑल एट सी ये भी करवा दिया हूँ ना, समुद्र के बीच में चले जाओगे तो क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज्ड हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे, घबरा जाओगे, कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। अगला है टू हीट बिलो द बेल्ट। अब बिलो द बेल्ट का मतलब है, अब यहाँ पे समझिएगा, अटैक करना अनफेयरली, मतलब आपके बेल्ट के नीचे अगर कोई आपको मारेगा तो आपको वहाँ पे नहीं ना मारना है, जैसा आपने क्रिकेट या फुटबॉल खेला होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक रूल्स होता है। तो वही कहता है टू हीट बिलो द बेल्ट मतलब बेल्ट के नीचे मारना, मतलब अटैक करना अनफेयरली तरीके से, मतलब गलत तरीके से अटैक करना। अगला है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप झूठ मूठ के आंसू बहाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनको दुख तो होता नहीं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो आंसू बहाते हैं, जिसको कहते हैं घड़ियाल के आंसू। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है झूठ मूठ के शोक मनाना, टू प्रिटेंड ग्रीफ। अगला है अ स्नेक इन द ग्रास। तो आप बताइए कोई ग्रास है बहुत सारा और उसमें स्नेक छिपा हुआ है, तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब छिपा हुआ दुश्मन, वो ग्रास में, वो घास में स्नेक दिखेगा आसानी से नहीं ना, तो एक ऐसा दुश्मन जो छिपा हुआ हो उसको बोलते हैं ए स्नेक इन द ग्रास, सीक्रेट एनिमी। ठीक है, अगला है टू फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब है कि पूरी तरह से एकदम जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ अपना पूरा प्रयास लगा देना, उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल, मतलब टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स,
मतलब पूरा का पूरा पॉसिबल जितना भी इफोर्ट था उसको लगा देना। तो बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल, तो हमारे सैनिक ऐसे ही लड़ते हैं, फाइट टूथ एंड नेल मतलब जीत और पूरी तरह से, है ना। अगला है बर्ड ऑफ द सेम फीदर। अब यहाँ पे देखिएगा बर्ड ऑफ द सेम फीदर, फीदर का मतलब पंख और सेम का मतलब एक जैसा। तो कहता है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो पर्सन जिसके कैरेक्टर बिल्कुल समान हो। कहते ना चोरे चोर मौसेरे भाई, वो वही इसका मतलब है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब कि ऐसे दो पर्सन जिसकी क्वालिटी मिलती है, चोरे चोर मौसेरे भाई वाला हो। तो यहाँ पे होगा पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। अगला है टू मिस द बस, इसका मतलब होता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी चांस, कोई भी मौका मिला था और आपने उसको खो दिया, तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि हमने बस को खो दिया। तो मिस द बस का मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी को, एक चांस को, एक अवसर को खो देना। अगला है लीप्स एंड बाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको बताया है। तो लीप्स एंड बाउंड का मतलब है दिन दुना रात चौगना, मतलब कोई भी काम तेजी से होना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला है टू ब्रिंग द लाइट। अब देखिए ब्रिंग का मतलब लाना और लाइट का मतलब लाइट में लाना। तो कोई भी चीज़ सारे लोगों से छिपा हुआ था और आपने लाइट में ले आया, तो टू ब्रिंग द लाइट का मतलब है पर्दाफाश करना, टू रिवील। तो लिख लीजिएगा ब्रिंग द लाइट का मतलब पर्दाफाश करना और इंग्लिश में बोलेंगे तो होगा टू रिवील, ठीक है। अगला है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना। अब कहीं पे आग लगा हुआ है और वहाँ पे और आपने तेल को छिड़क दिया, है ना, तो वही करा टू ऐड फ्यूल, मतलब फ्यूल फायर में, मतलब आग में तेल को छिड़कना, मतलब उस आग को भड़काना, मतलब स्थिति को बद से बदतर बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा टू इनसाइट भड़काना, है ना, ऑप्शन डी। अगला है एट द 11th आवर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये होता है अंतिम समय में कोई काम करना। अगर कोई काम अंतिम समय में, जैसे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई मीटिंग है, ठीक है, और 10 बजे के 10 मिनट पहले कोई पर्सन पहुंचता है, तो हम कहेंगे कि वो एट द 11th आवर पहुंचा, है ना, एकदम अंतिम समय में पहुंचा। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। अ रेड लेटर डे, ये सारे इडियम्स ना बहुत मज़ेदार कहानी से मैं याद करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको अब ऐसे ही बता रहा हूँ। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट और एक जॉयफुल ओकेजन वाला दिन। मैं आपको इसका कहानी बता दूँ, अंग्रेज लोग क्या करते थे ना कि अपने कैलेंडर में जो उनका फेस्टिवल होता था, जो उनका याद और मेमोरेबल, मतलब बढ़िया बढ़िया जो दिन होता था, उसको वो लाल कलर से ऐसे रेड कर देते थे, मतलब उसको वो कलर कर देते थे रेड कलर से। तो उसने उस दिन को, उस त्यौहार को, उस फेस्टिवल को वो उन लोग बोलने लगा रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जॉयफुल, मतलब बढ़िया एकदम उत्सव मनाने वाला दिन, ठीक है। अगला ग्रीज एनी बडीज पाम्स, देखिए इसकी भी स्टोरी बहुत महान है बट यहाँ पे मैं शॉर्टकट में ही समझाऊँगा। एनी बडी का मतलब कोई भी, अब पाम क्या होता है हथेली, और ग्रीज क्या होता है, ग्रीज होता है वो ग्रीस जो कि मशीनों में लगता है, जो चिकना करता है। तो किसी की हथेली को चिकना करना मतलब घूस देना। आप कोई भी काम करते हैं ना तो कुछ पैसे देकर आप काम करवा लेते हैं, तो वही चीज़ होता है किसी का हथेली गर्म करना, हिंदी में आप हिंदी में समझ लीजिए हथेली गर्म करना। तो टू ग्रीज एनीबडी पाम का मतलब ब्राइब, मतलब घूस लेना या फिर देना। अगला है रेड हैंडेड, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, रेड हैंडेड बोलते हैं जो कोई कमिट करता है क्राइम या क्राइम करते हुए पकड़ा जाना, ऑप्शन सी होगा। अगला है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। अब बताओ हवा में महल बन सकता है,
नहीं, तो इसको कहते हैं डे ड्रीम, मतलब ख्याली पुलाव बनाना, है ना, हिंदी में अगर जाएंगे तो। तो यहाँ पे बिल्ड कैसल्स इन द एयर का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डे ड्रीम। अगला है प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ है उसकी अच्छी चीज़ें और उसकी ख़राब चीज़ें, मतलब मेरिट और डिमेरिट को बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पे आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। चलिए अगला है बाई हुक और बाई क्रूक। ये बाकी बातें छोड़ दीजिए, बस आप इडियम्स पे ध्यान दीजिए। बाई हुक और क्रूक का मतलब है किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, चाहे जैसे हो, वो उसको बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रूक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बाई हुक और बाई क्रूक का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाई एनी मीन्स, किसी भी साधन से, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इसको मैं समझा दूँ, जैसे रामायण में जो राक्षस जो लोग थे रावण वाले, वो कहते थे किसी भी तरह से, चाहे कोई भी नीति अपनाया जा सके धर्म या अधर्म का, हम करेंगे। तो बाई हुक और क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह से, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, किसी भी साधन से, ठीक है। अगला है सीट ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है, जैसे कोई पार्क है तो पार्क के चारों तरफ दीवार होता है, तो उस दीवार पे बैठ जाना, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि उस दीवार पे कोई बैठा हुआ है, और उस दीवार के उधर भी एक व्यक्ति है और उस दीवार के इधर भी व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति मेरी तरफ बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति मेरे तरफ बैठा हुआ है, तो बताओ किसके तरफ बैठा हुआ है, किसी के तरफ नहीं। तो सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना, कन्फ्यूजन में होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से होगा टू अवॉइड टेकिंग साइड, मतलब किसी के साइड लेने से बचना। ध्यान से सुनिएगा, सीट ऑन द फेंस का मतलब है टू अवॉइड का मतलब बचना, टेकिंग साइड किसी के साइड लेने से बचना, उसको बोलते हैं सीट ऑन द फेंस, दुविधा में होना। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज। अगर आपका इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका पीडीएफ और एक और 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स का पीडीएफ मैं आपको दूंगा। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।